नमस्कार, एनबीसी न्यूज की टॉप 10 न्यूज में आप सभी का स्वागत करते हैं। सुबह की शुरुआत एनबीसी की खबरों के साथ, जानेंगे देश विदेश की खबरें एक साथ। मध्य प्रदेश के धार में भीषण हादसा, ट्रक में लगी आग से जलकर दो लोगों की मौत। खालिस्तानियों पर होगा एक्शन, पीएम मोदी और एंथोनी के बीच द्विपक्षीय वार्ता शुरू। बेंगलुरु एयरपोर्ट पर एयर एशिया के विमान की इमरजेंसी लैंडिंग, लखनऊ के लिए भरी गई थी उड़ान। बैंक फॉर जॉब स्कैम, बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को सीबीआई का समन, पूछताछ के लिए बुलाया। सतीश कौशिक की मौत के मामले में आया नया मोड़, दिल्ली पुलिस ने फार्म हाउस से बरामद की कई दवाइयां। सिंगापुर से आई यात्री के पास से जब्त की गई 27 लाख तक के सोने की छड़े। मिजोरम सीमा पर एक कार से 1.3 किलोग्राम हेरोइन जब्त। विधानसभा में बीटीसी की विवादित डॉक्यूमेंट्री के खिलाफ प्रस्ताव हुआ पेश। लालू प्रसाद यादव से जुड़े 15 ठिकानों पर की गई छापेमारी, नौकरी के बदले जमीन लेने का मामला। और ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर में टीडीएस के नए नियमों से बढ़ सकती है चुनौतियां।